ਜਿੰਨੇ ਲੋੜ ਨੀ ਤੱਕਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋੜ ਨੀ ਵੇਖਿਆ ਜੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਡੀ ਐਸ ਐਨ ਜੀ ਚੱਲੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਡੀ ਐਸ ਐਨ ਜੀ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੌੜ ਲਾ ਰੇ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੌੜ ਲਾ ਰੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੌੜ ਲਾ ਰੇ, ਇੱਥੇ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋੜੇ वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? हिफ्ज़त ताहिर। वकास अली खान। राबिया आज़म। ओके जी, बताएं अपने इस फंक्शन के बारे में, इवेंट के बारे में। इवेंट बहुत औसम इवेंट हुआ है और काफ़ी इवेंट्स हमने देखे हैं, लेकिन जो ये स्पोर्ट्स डे हुआ है मेरे ख्याल से ये ग्रैंड स्पोर्ट्स डे इसको कहा जा सकता है। इसमें तमाम जो गेम्स है बच्चों ने सब पार्टिसिपेट किया है, लाइक कराटे, जिमनास्टिक, एरोबिक्स, स्प्रिंट्स, एवरीथिंग। तो बहुत जबरदस्त इवेंट हुआ है, हम बहुत nice। आपने क्या किया यहाँ पे स्पोर्ट्स के? आप जी, मैंने जिमनास्टिक का डिस्प्ले करवाया और मैंने खुद भी जिमनास्टिक परफॉर्म किया है। अरे वाह, जबरदस्त। कुछ दिख सकते हैं हम अभी? जी बिल्कुल, कहा है ना कुछ, हमें भी तो पता चले। चलिए हाँ, चलिए थोड़ी जगह जगह पीछे पीछे पीछे। हाँ एक मिनट, एनर्जी काफी हमारी वेस्ट हो चुकी है, लेकिन बी सेफ ओके, रिस्क अपना है। वेरी नाइस, स्लैपिंग। इनकी बारी, आज जगह दे दे भाई, मैं भी पीछे हो जाऊँ। वेरी नाइस, क्लैपिंग करें भाई इनके लिए। वाओ, माय स्टूडेंट एंड शी इज टीचर हियर। वाओ वाओ। अच्छा मुझे बताएं, जब सीखने में कितनी चोटें लगी? चोटें तो खैर लगती रहती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो होता है चोटें तो उसकी जिंदगी का हिस्सा ही बन जाती है। फिर जब शुरू किया तब तो बहुत लगी, काफी चोटें, और ऑलरेडी मैं डैमेज भी हूँ इस वक्त। काम टूटा हुआ है, रिस्क ले रहे हैं आराम लगी, लेकिन बंदा गिर के ही सीधा होता है। कितनी लगी फिर भी? बस मेरे हैंड शोल्डर पे लगी थी जब जिमनास्टिक में एफली कर रही थी, उस टाइम लगी, उसके बाद नहीं लगी। अच्छा, आपको लगता है किसके लिए वेट कम होना चाहिए? वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है क्योंकि इसकी फिटनेस बड़ी हार्ड होती है। जिमनास्टिक की जो फिटनेस है, जब आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करती है तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका वेट लूज होना शुरू हो जाता है। वेरी नाइस। चलिए जी, हम आपसे सवाल करते हैं, ठीक है जी? मुझे बताएं कि आसान कर लेते हैं, मर्द और औरत में से किसके मुंह में 38 दांत होते हैं? You have guys have only one option, क्योंकि ज़ाहिर बात है दूसरा होगा नहीं, मशवरा कर लें। एक के मुंह में, किस एक के मुंह में मशवरा करें? मर्द के ही होते होंगे। आपने कभी अपने दांत नहीं गिने? वैसे होते तो 32 है इन्होंने। इन्होंने आपको फंसवा दिया, गलत जवाब। चले जी, क्या करेंगे आप लोग? मैं आपको जी कॉमेडी न्यूज सुनाऊंगा। और आप? तराना, पाकिस्तान तराना। हाँ, हम छोटे से लतीफा, तीनों बारी बारिश। अस्सलाम वालेकुम, ए रेडियो गप्पूस्तान है। अज दे दोपहर दे मथे ते 12 बजे ने अज गुजर ब्रिज खोतिया ने हड़ताल कर दी। उन्होंने आखिया साड़ी खोतिया ने उची उची सैंडल ते लंबे लंबे परांदे ना पाए गए, असं फा खाने तो इनकार कर देंगे। अज रावी दे पुल थले दो खोते चर्स पींदे फड़े गए। इन्हों का कहना खोते बड़े पायदार ते ताकतवर ने, इन्हों को दो मन चर्स तीन मन हफीम बरामद हुई है। अज इंदिरा गांधी ने शालामार का दौरा किया तो उन्होंने दिल का दौरा पै गया। अज गली नंबर 7 राणा ने बक्से च बंब फट गया, जिंदे च 2 कैंची हलाक, 2 मोचा जख्मी, उस्तरियां का कोई पता नहीं जे 2 गंजे फरार। थैंक यू। तुम पे मरने लगे हैं, हम इश्क करने लगे हैं, सोने आ हीरे आ तेनू होर की कमा। थैंक यू। अच्छा मेरा एक छोटा सा लतीफा है, लतीफा कुछ इस तरह से है कि एक आदमी होता है वो जू खोलता है। अब पहले दिन वो जू की टिकट लगाता है 500, जू में कोई भी नहीं आता। दूसरे दिन वो टिकट लगाता है 200, कोई भी नहीं आता। तीसरे दिन वो थक के टिकट लगाता है 50 रुपीज, फिर कोई भी नहीं आता। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो जू के अंदर जाता है और जाके शेर खोल देता है। गलत हो गया। कोई बात नहीं, फिर तीसरे दिन वो टिकट फ्री कर देता है, सारे के सारे अंदर आ जाते हैं। अब वो क्या करता है, अंदर जाके शेर खोल देता है और बाहर आके कुंडी लगा देता है, आगे से कहता है बाहर आंजी टिकट 500। जबरदस्त। ये ले जी आप लोगों के लिए गिफ्ट, थैंक यू। तीनों के लिए हाँ डिवाइड करें जी, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मेरा जो टारगेट है वो ये है कि जब इतना जबरदस्त इवेंट हो गया है, इवेंट किया है इन्होंने, तो हम इसको मजीद इंजॉय करें। सामने कहा? वालेकुम अस्सलाम। साजिद, क्या करते हो? स्पोर्ट्स टीचर। मुझे बताओ, अगर एक इंसान बहुत ज्यादा भूखा रहे या डाइटिंग करे तो उसका कौन सा बॉडी पार्ट है जो खुद ही को खाना शुरू कर देता है? स्टमक।
क्या शेयर करोगे? ट्रिक करके दिखाऊंगा। ये लो जी आपके लिए गिफ्ट। थैंक वेलकम। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? रमीज। क्या करते हो? मैं यूनिक में एम्प्लॉय हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर एडमिन। ओके जी। कोई आपने भी कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ किया? जी हम लोगों ने मैनेजमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया। आई थिंक मेरी होल टीम ने और यूनिक के जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ थे दे प्ले अ सुपर्ब रोल टू मैनेज दिस। गुड। सवाल करते हैं। जी जी। मुझे बताएं कि वो कौन सा परिंदा है जो शेर की आवाज निकाल लेता है, एग्जैक्ट शेर जैसी आवाज निकालता है? आई थिंक कोई भी नहीं। हाँ है ना, तभी तो सवाल है। फिर ऐसा कुछ क्या सुनाएंगे? मैं एक मैसेज कन्वे करना जी मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि एतमाद किसी का नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एतमाद की मिसाल उस फूल की सी है जो शाख से एक दफ़ा गिर के दोबारा उस शाख की जीनत नहीं बनता। ये ले जी, अमेजिंग आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम? ताहिर अब्बास। चलो मुझे बताओ वो कौन सा जानवर है जिसके फेस पे शर्मिंदगी के एक्सप्रेशन नजर नहीं आते? यानी कि इंसान के ऊपर तो आते हैं ना, इंसान के अलावा दूसरा वो कौन सा है जानदार? मंकी, बंदर। आते हैं कभी देखा उसको शर्मिंदा? वो तो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होता। तो आपने बताया कि इंसान के अलावा? हाँ मतलब इंसान के आते हैं फेस पे। हाँ इंसान के नहीं आते। और आपको भी शर्मिंदा नहीं हुए? मैं तो कई दफा शर्मिंदा हूँ। तो फिर वही ना, इंसान के अलावा बताओ। इंसान के तो हैं, और कौन सी नस्ल है या कौन सा जानवर जानदार एनिमल कुछ भी? कौवा ना। हाँ कौवे, कौवे का कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आए शर्मिंदगी के। अच्छा कॉमन सेंस है, खुद देखो जिसके मुंह पे बहुत ज्यादा या बाल या हो गए चूंच, वो अपने एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं दिखा सकता। चूंच है ना जी, ज्यादा फेस होना चाहिए थोड़ा। क्या सुना? गाना सुन ले जी। अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा, हर दम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा। अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा, हर दम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा। दर्दां दी मारी रो रो के हारी, तांगा तेरिया ने मैनू मारिया प्यारे आ। अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा। वेरी नाइस, आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू जी। बहुत अच्छी आवाज में गाना सुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुमेरा। क्या करती हैं? टीचर हूँ। क्या पढ़ाती हैं? यस। क्या पढ़ाती हैं? प्ले ग्रुप। ओके प्ले ग्रुप का पढ़ाती हैं। आज कितना मजा आया, कितना एंजॉय किया? बहुत मजा आया एक्चुअली। प्ले ग्रुप के साथ तो बहुत मजा आता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ वी एंजॉयड अ लॉट। ओके चलिए मुझे बताएं कवादीन अपनी जिंदगी का कितना टाइम ये सोचने में लगाती हैं कि आज वो क्या पहन कर जाएं? आई थिंक सारी रात और सारा दिन भी कम पड़ जाता है। अच्छा आप कितनी देर में तैयार हो जाती हैं? मैं वैसे तैयार हो जाती हूँ 2 घंटे में। अच्छा 2 घंटे लग जाते हैं? यस। और सोचने में कि आज क्या पहनना? सोचने में तो सारी रात भी लग जाती है। चले जी क्या शेयर करेंगे? मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स जो है उनको अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यही मेरा मैसेज होगा स्टूडेंट्स के लिए। वेरी नाइस मैसेज, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। वेलकम जी। जी इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया और यहाँ पे और भी बहुत प्यारी प्यारी जो है वो टीचर्स हैं, तो मजीद उनसे भी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? विनेश। क्या करती हैं? मैं यूनिक में जॉब करती हूँ, इंचार्ज हूँ। ओके जबरदस्त, मजा आया आज? बहुत मजा आया एक्चुअली, हमने कमेंट्री भी की है तो इस हवाले से तो बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी बूस्टअप हुई हुई है, बहुत ज्यादा मजा आया हमें। क्या कहती हैं ये 15th है ना आपका? 15th है।
ہونے چاہیے اور مزید بالکل ہونے چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ 3 ڈیز سے ہمارا چل رہا تھا, آج 3rd ڈے تھا اور بہت بڑے لیول کا, بڑا اچھا تھا, بہت بڑے لیول کا. بہت سے سیلیبریٹیز پنجاب سے, لاہور سے, بہت سے ہمارے جو پولیٹیشنس تھے انہوں نے بھی, کرکٹرس, پلیئرس, سب نے پارٹیسپیشن دی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ایونٹس جو ہیں وہ ہر انسٹیٹیوشن کو چاہیے کہ وہ کروائیں. یونیک ہر چیز میں آگے ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی کاپی کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ اچھی چیز کو ہمیشہ کاپی کرنا چاہیے, جیسے کہ لوگ بوجھو تو جیتوں کو کہتے ہیں. چلے جی سوال کریں جی پلیز. مجھے بتائیں ٹی بیگس کس سن میں ایجاد ہوئے تھے؟ ٹی بیگ جو ہم جس کی چائے پیتے ہیں. ایگزیکٹ تو نہیں یاد لیکن آئی مین 10 ایئرز اگو. صرف 10 سال پہلے کا؟ کچھ اور پوچھ لیں. اچھا کچھ اور پوچھ لیتی ہیں. مجھے بتائیں وہ کیا چیز ہے جو خواتین کھاتی بھی ہیں اور پہنتی بھی ہیں؟ کھاتی بھی ہیں اور پہنتی بھی ہیں. یہ بھی بڑا ڈیفیکلٹ کوسچن ہے. ایک اور پوچھ لیتی ہوں. مجھے بتائیں کہ ہماری آنکھ کا جو لینس ہے وہ کتنے میگا پکسل کا ہے؟ 5. موبائل آ گئے بہت ہائی ہے. 20. بہت. 500. مور دین 500. چلے جی کیا شیئر کریں گے؟ میں میسج دینا چاہوں گی. یونیک نے بہت گرینڈ لیول پہ اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا, بہت مزہ آیا. یونیک کی اسپرٹس, یونیک کے اسپورٹس ٹیچرس, یونیک کی پرنسپلس, مینجمنٹ, سب کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گی اور میسج دینا چاہوں گی تمام پیرنٹس کو, میڈیا کو, کہ وہ اس میسج کو کنوے کریں کہ تمام انسٹیٹیوشنس کو, تمام لوگوں کو اسی لیول پہ رہ کر ہم جس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان کو جو ہے انعقاد کروانا چاہیے, بیکاز یہ بچوں کی فزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ اکیڈیمکلی بھی اور اسپرچولی بھی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. ویری نائس جی. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے آپ کے لیے گئے. تھینک یو. یو ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام؟ میں وش. کیا کرتی ہیں؟ میں اردو ٹیچر ہوں. مزہ آیا؟ بہت زیادہ مزہ آیا. ہماری ڈیوٹی بھی تھی, ہم بہت ایگزاسٹ ہو گئے ہیں. کب سے شروع ہوئی تھی یہ؟ آج 3rd دن ہے, لاسٹ ڈے تھا آج. او چلے جی سوال کریں. ہاں جی میں آپ کو اقبال کا ایک شعر سنا. سوال کروں گی. آپ بجھو تو جیتو میں سامنے دیکھیں. مجھے بتائیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو اپنی زبان اپنے منہ سے باہر نہیں نکال سکتا؟ چینج کر دیں سوال. سوال چینج کر دیتے ہیں. چلیں کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں آپ سے میرا سوال ہے کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو 400 کلومیٹر پر آر کے حساب سے اڑتا ہے؟ شاہین. کیا شعر کریں گے؟ میں اقبال کا شعر. تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. زبردست. آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. جی بڑا مزہ آیا اور انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ شعر سنایا. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. نام؟ فہد شہزاد. کیا کرتے ہیں؟ پڑھاتا ہوں میں. گڈ. چلے جی سوال کریں. جی جی. مجھے بتائیں ہماری باڈی کی 2 کڈنیز ہیں, ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ, تھوڑی سی اوپر والی کون سی ہے؟ تھوڑی سی اوپر والی رائٹ. غلط جواب. کیا سنائیں گے؟ نعت سناؤں گا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. جزاک اللہ. آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. یو ویلکم. جی یہاں پہ تو سب کے سب بہت ٹیلنٹڈ ہیں. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام آپ کا؟ محمد افضل. کیا کرتے ہیں؟ ٹیچر. کیا پڑھاتے ہیں؟ میتھ. اوہو چلے جی. مجھے بتائیں انسان پورے دن میں, سوری, انسان 1 منٹ میں کتنی آکسیجن انہیل کرتا ہے؟ آپ اس کے ویٹ کے حساب سے بے شک بتا دیں. کلو, 2 کلو, آدھا کلو, کوارٹر, اینی تھنگ. والیوم میں ہو سکتا ہے؟ جیسے مرضی بتا دیں. میں تو آپ کی ہیلپ کی تھی, اس طرح آسانی ہوگی. نہیں. کیا سنائیں گے؟ شعر سنا. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان, تو شاہی ہے, پرواز ہے, کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. کسی اور سے بات کرتے ہیں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عمیر. کیا کرتے ہو؟ میں ٹیچر ہوں. ٹھیک ہو گیا. کیا پڑھاتے ہیں؟ میں کمپیوٹر سائنس. کمپیوٹر پڑھاتے ہیں. چلیں مجھے بتائیں کمپیوٹر کا جو ماؤس ہوتا ہے اس کے بٹن کو کتنی دفعہ آپ جو ہے وہ پریس کریں گے تو آپ کی ایک کیلوری لوز ہوگی؟ کیلوری ایک لوز کرنے کے لیے کم از کم 8 ٹائمز آپ کو پریس کرنا چاہیے. 8 دفعہ؟ جی. اتنا ہی آسان ہوتا تو بس یہ ہمارے ماؤس کے اسپیشل ہوتے ہیں. نہیں کوئی نہیں ہوتے. کیا سنائیں گے؟ جی میں نعت سناؤں گا. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, امام الانبیاء دیکھوں, حبیب کبریا دیکھوں, وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی, وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی, منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں, منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, امام الانبیاء دیکھوں, حبیب کبریا دیکھوں. ویری نائس, جزاک اللہ آپ کے لیے. تھینک یو. ویلکم جی ناظرین, ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا, سو لیٹس ہیو اے بریک.